Ratna Bhushan, welcome to the program ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment and success. Join our foundation course, Success Foundation course. Vayusena ko milega 83 aadhunik Tejas Biman. Vayusena ko milega 83 aadhunik Tejas Biman. Make in India. मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 घातक तेजस युद्धक विमान हासिल करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने यह फैसला लिया है। अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए सुरक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। DAC ने घातक रक्षा उपकरण हासिल करने के लिए 13,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह रकम वायुसेना के हॉक MK-32 विमानों के ट्विन होम स्टिमुलेटर और एरियल फ्यूज खरीदने में खर्च की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए अत्याधुनिक एमके वर्जन के 83 तेजस विमानों को वायुसेना के लिए निर्मित किया जाएगा। इससे पहले HAL को शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन वाले 40 तेजस विमान देने का ऑर्डर मिला था। रक्षा मंत्रालय के विज्ञप्ति के अनुसार श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए DAC की पहली बैठक में रक्षा विभाग और सैन्य मामलों में के विभाग के दायित्वों को अलग अलग दिए किए जाने पर सहमति दी गई है। इससे सेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बनेगा और अधिकरण विंग को तेजी से विमान मिलेंगे। इस कदम से रक्षा उपकरणों और हथियारों की सौदों में कीमतों को लेकर अधिक पारदर्शिता आएगी और समयबद्ध तरीके से समझौते होंगे। तेजस के अत्याधुनिक वर्जन MK-1A के 83 विमान के भारत में बनने से मेक इन इंडिया की मुहिम को खासा बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 1300 करोड़ रुपये में घातक रक्षा उपकरण हासिल होंगे। G20 देशों की सार की तरह होगी वर्चुअल बैठक। सऊदी अरब ने मानी PM मोदी की सलाह। कोरोना के खिलाफ वैश्विक रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मान ली गई है। मोदी की अगुवाई में जिस तरह से पिछले रविवार को दक्षिण एशियाई देशों के इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी, उसी तर्ज पर G20 देशों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था। G20 के मौजूदा मुखिया सऊदी अरब ने इस संगठन की बैठक बुलाने के मोदी के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। यह बैठक भी वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इससे एक दूसरे से अनुभवों को साझा करने और आगे एक सामूहिक रणनीति बनाने जरूर पर जोर दिया गया होगा। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सालेम से बात की थी। उसमें उन्होंने G20 देशों की बैठक बुलाने का सुझाव दिया। मोदी ने सऊदी प्रिंस को सार्क देशों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया था। इससे पहले मोदी ने इस विषय पर ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन से बात की थी। स्कॉट मॉरिसन मंगलवार को देर शाम सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित G20 कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कोरोना वायरस पर विशेष बैठक अगले हफ्ते बुलाई गई है। बताते चले कि समूह G20 का गठन 2007-08 की वैश्विक मंदी के बाद किया गया था। उसके पहले तक दुनिया के सर्वशक्तिशाली 7 देशों का एक संगठन G20 का काम करता था। इस बैठक के भारत के लिए खास माने इसलिए है क्योंकि 2022 में G20 देशों का मुखिया भारत होगा। कोरोना की चुनौतियों को लेकर जो फैसले होगा उन्हें लागू करने में भारत को अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। मोदी की सलाह जिस तरह से सऊदी अरब ने मानी है उसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि पाक की तरफ से सऊदी अरब पर दबाव बनाया जा रहा है कि कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन की विशेष बैठक बुलाई जाए, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई गई। G20 देश में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और टर्की भी शामिल हैं। G20 में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और टर्की भी शामिल हैं। संकट के समय भी नफरत की राजनीति। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं श्रीमान प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। दैनिक जागरण में इन्होंने लिखा है इस आर्टिकल को, संकट के समय भी नफरत की राजनीति। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है। तमाम देश इस बीमारी और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे इसके प्रभाव से चिंतित हैं। किसी को पता नहीं कि यह वायरस कब जाएगा, लेकिन इतना पता है कि जब भी जाएगा अपने पीछे भारी तबाही छोड़ जाएगा। इसके बाद देशों के आपसी संबंध बदल सकते हैं। विश्व व्यापार के तरीकों में भी बड़ा बदलाव आने से के पूरे आसार दिख रहे हैं। भारत इस आपदा को जिस तरह निपट रहा है उसकी दुनिया के कई देश प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन देश के विपक्षी दल किस कालखंड में जी रहे हैं बताना कठिन है। देश में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जिनकी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री इस वायरस का शिकार हो जाए। ये बहुत
बहुत ही विडम्बना है कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं, मुझे नहीं लगता है इस भारत का कोई भी व्यक्ति करता होगा, चाहे जिस पर्पज से करता हो। राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके बयानों से ऐसा लगता है नहीं है कि देश या दुनिया में उत्तम संकट है। ज़्यादातर दलों के नेता इस मुद्दे पर भी सरकार और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री मोदी से हिसाब चुकाता करने में लगे हुए हैं। उन्हें यह संकट अपनी राजनीति चमकाने का मौका नज़र आ रहा है। वे संकट का मुकाबला करने में एकजुटता दिखाने, सुझाव देने और मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं, और यह भी तब जब देश में इस तरह का संकट पहले कभी नहीं देखा होगा। संसद का सत्र चल रहा है पर कार्रवाई देखकर लगता ही नहीं कि देश गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ा है। दुनिया के कई देश में जैसे इटली, स्पेन, इंग्लैंड, ईरान, दक्षिण कोरिया और कुछ हद तक अमेरिका भी इस खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार नहीं था या प्रारंभ से में लापरवाह रहा। इस मामले में भारत ने तत्परता दिखाई। दुनिया के दूसरे देशों में फंसे अपने करीब 1100 नागरिकों और कुछ देशों के नागरिक 50 नागरिकों को निकालने में कामयाब रहा। बड़े समूहों में नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी नागरिकों को हर संभव मदद हो रही है। इटली में फंसी एक लड़की के पिता का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के सुजय कदम की बेटी मिलान शहर में पीजी कोर्स करने गई थी। उसने 28 फरवरी को बताया कि सब ठीक है, पर 10 मार्च को संदेह आया कि सब बंद हो रहा है और बाहर निकालने के लिए भारतीय दूतावास से सर्टिफिकेट चाहिए। सुजय को पता चला कि मिलान में भारतीय दूतावास बंद हो गया है। फिर उन्होंने दूतावास के कुछ लोगों का ईमेल पता खोज कर 12 मार्च को सुबह मेल के जरिए अपनी समस्या बताई और मदद मांगी। उसी रात 8:30 बजे बेटी ने बताया कि भारतीय दूतावास से फ़ोन आया था और वह अगले दिन भारत आ रही है। मोदी विरोधी सुजय अब उसके मुरीद हो गए हैं। उनका कहना है कि मोदी एक पिता की तरह अपने नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। ऐसे ढेरों किस्से सोशल मीडिया पर हैं। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश कोरोना से निपटने की भारत की तैयारी की प्रशंसा कर चुके हैं और दूसरे कई देश भारत की मदद मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर 6 देशों के शासनाध्यक्षों की आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलजुल कर इस बीमारी से निपटने पर सहमति बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की, पर अपने देश के नेताओं का नकारात्मक रवैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि खतरा बहुत बड़ा है पर सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा इस मामले में सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं। राहुल की नई भविष्यवाणी है कि सरकार के रवैये से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इस बात को कहते हुए उनके चेहरे पर चिंता के बजाय विजयी भाव अधिक दिखाई दिया। राहुल गांधी जी ही नहीं, देश के कई विपक्षी नेता और लेफ्ट लिबरल की बिरादरी के अपनी खुशी छिपाना मुश्किल हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। देश हित पर दल और व्यक्तिगत लाभान्वित की चिंता भारी पड़ने लगे तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग देश का भला नहीं चाहते, भला चाहते हैं, लेकिन इसी शर्त पर उसका नजरिया जरिया भी वही हो, उसकी समझ से भला मोदी देश की भलाई करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं और करते भी हैं तो इसे भला नहीं मानना चाहिए। इनकी नज़र में मोदी और उनकी सरकार के किसी काम की प्रशंसा देशद्रोह से कम नहीं है, और जो ऐसा करते हैं वे देशद्रोही ही जनतंत्र के खिलाफ है। नफरत की राजनीति का सिलसिला संकट के समय भी नहीं रुक रहा है। सरकार के काम की आलोचना हो यह तो समझ में आता है, पर क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई देश के प्रधानमंत्री के मरने की इच्छा जाहिर करे लेकिन ऐसा किया गया, और इसे सहमति जताने वालों में संवैधानिक पद पर रहे एक शख्स भी थे। ऐसे ही जनतंत्र की कथित क्रांति दूत शाहीनबाग की महिलाओं में से एक को टीवी पर कहते सुना गया कि हमें कोरोना नहीं होगा, हमारे साथ अल्लाह ताला है, मोदी को होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के किसी पहरुए ने नहीं कहा कि ऐसी बातें संविधान से मिले अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के दायरे से बाहर है। जिहादी मानसिकता वाले एक तथाकथित पत्रकार ने ट्वीट किया कि नैतिक रूप से भ्रष्ट इस देश में कोरोना के लिए मारने को क्या है। तात्पर्य है कि कोरोना से लोग मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। आमजन की भाषा में ऐसे लोगों को आस्तीन का सांप कहा जाता है। यह मोदी विरोधी या मोदी से नफरत एक सीमित रहने वाली बात नहीं है, यह भारत विरोधी मानसिकता है। किसी भी राष्ट्र संकट के समय लोग अपने मतभेद भुलाकर साथ खड़े हो जाते हैं। भारतीय राजनीति मनुष्य की उस स्वाभाविक वृत्ति के खिलाफ लड़ी है। इसके उनके लिए मोदी कोरोना से बड़ा खतरा है, इसलिए वे कोरोना से नहीं मोदी से लड़ेंगे। ऐसा सोचने वाले यह भूल जाते हैं कि उनकी लड़ाई सफल तभी होगी जब जनमानस साथ होगा। जनमानस तो अभी मोदी और देश के साथ खड़ा है, क्योंकि आम लोगों में राजनीतिक स्वार्थ
से परे देखने की क्षमता है जिसे विपक्ष हमारे कुछ नेता देखने में अक्षम है। लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं।